नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। सुजस आवाज में खास खबरें शेखर और अश्विनी के साथ। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सकों ने जताया आभार और अभिनंदन। मुख्यमंत्री ने कहा, इलेक्ट्रोपैथी को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री ने पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह के निधन पर व्यक्त किया शोक, कहा हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ। मुख्यमंत्री का बजट घोषणाओं के लिए जहाजपुर के प्रतिनिधिमंडल ने जताया आभार। और हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिलों में निकल रही हैं तिरंगा रैलियां। अब सुनिए समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारत प्राचीन काल से ही कई पारंपरिक और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों का केंद्र रहा है। इन चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि इन पद्धतियों में इलेक्ट्रोपैथी की विशेष महत्ता है और राज्य सरकार इसे प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शर्मा आज मुख्यमंत्री निवास पर इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सकों की आभार और अभिनंदन सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आमजन के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए दूरगामी निर्णय ले रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने पहले बजट में ही पारंपरिक चिकित्सा पद्धति इलेक्ट्रोपैथी को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड का गठन करने और इसके लिए प्रथम चरण में 5 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। साथ ही बजट में इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा के संबंध में परीक्षण कर नियम बनाने की महत्वपूर्ण घोषणा भी की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज बजट 2024-25 में विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर के लिए महत्वपूर्ण विकास कार्यों की घोषणा के लिए जहाजपुर के प्रतिनिधिमंडल ने आभार जताया। इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के ध्येय पथ पर अग्रसर राजस्थान के सर्वांगीण विकास को समर्पित प्रदेश के लोक कल्याणकारी बजट 2024-2025 के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर के लिए महत्वपूर्ण विकास कार्यों के प्रस्तावित होने के उपरांत आज मुख्यमंत्री आवास पर विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर के विधायक श्री गोपीचंद जी मीणा के नेतृत्व में विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता जनार्दन ने इन अनुदानों हेतु प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया, जिसके लिए आप सभी का अभिनंदन प्रकट करता हूं। हमारी सरकार प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। अपने शोक संदेश में श्री शर्मा ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने और शोकाकुल परिजनों को दुख की घड़ी में संबल प्रदान करने की प्रार्थना की। वहीं राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने भी नटवर सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से पुण्यात्मा की शांति और उनके परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति देने की कामना की है। श्री बागड़े ने कहा कि भारत के विदेश मंत्री के रूप में और चिंतक लेखक के रूप में उन्होंने महती कार्य किया। वह बौद्धिक राजनीतिज्ञ थे। उनका निधन अपूरणीय क्षति है। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान में जन भागीदारी का आह्वान करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर सामूहिक रूप से लोगों ने भागीदारी निभाई। मैं सभी प्रदेश वासियों से ये अनुरोध करता हूं कि आगामी दिनों में इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान में उत्साह पूर्वक सहभागिता करें और हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने निवास स्थान पर गर्व से राष्ट्रीय ध्वज फहराएं। मेरा आप सभी से सादर आग्रह है कि राष्ट्रीय ध्वज के साथ सेल्फी लेकर उसे आधिकारिक वेबसाइट harghartiranga.com पर अपलोड करें। ये कार्य राष्ट्रीय एकता और गौरव का प्रतीक होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि किसी भी राष्ट्र की न्यायिक प्रणाली और उसकी कार्यक्षमता उसकी लोकतांत्रिक जीवंतता को परिभाषित करती है। ये स्वतंत्र मजबूत न्याय प्रणाली किसी भी प्रकार के शासन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये जीवन की जीवन रेखा है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय और उसके मुख्य न्यायाधीश न्याय प्रदान करने में रीढ़ की हड्डी की तरह मौलिक हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की शिथिलता धारणागत या अन्यथा हमारे लोकतंत्र के स्तंभ के रूप में न्यायपालिका को कमजोर कर देगी। उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ शनिवार को जोधपुर स्थित मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित प्लैटिनम जुबली समारोह में शिरकत कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के 3 स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की निसंदेह और संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका है। इस आधार पर
हमें शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का ईमानदारी से पालन करने की जरूरत है। साथ ही हमारे पास इतिहास का ज्ञान और बुद्धि है। ये हजारों लोगों की हमारी सभ्यता के लोकाचार की गहराई में अंतर्निहित है। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने, गांव गरीब के लोगों को विकास कार्यों का समयबद्ध लाभ पहुंचाने और कल्याण योजनाओं की राशि का जनहित में समुचित सदुपयोग किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने बाड़मेर जिले में पानी की महत्ता को देखते हुए जल संरक्षण के कार्यों को प्राथमिकता से करवाए जाने का भी आह्वान किया। उन्होंने बारिश की एक एक बूंद को सहेजने पर जोर देते हुए बाड़मेर रिफाइनरी उत्पादों और खनन क्षेत्र से स्थानीय लोगों के रोजगार सृजन के लिए अधिकाधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता जताई। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े शनिवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जिला परिषद सभागार में केंद्र सरकार प्रायोजित योजनाओं और अन्य विकास कार्यक्रमों की समीक्षा कर रही थी। इधर उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित तिरंगा रैली को राजसमंद कलेक्ट्रेट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली राजसमंद कलेक्ट्रेट से शुरू होकर 100 फीट रोड सिविल लाइन्स होते हुए गांधी सेवा सदन तक निकाली गई, जिसमें डॉक्टर बैरवा स्वयं भी शामिल हुए। इस रैली का उद्देश्य आम जन में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और गर्व की भावनाओं को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर डॉक्टर बैरवा ने कहा कि तिरंगा हमारे देश की एकता, अखंडता और विविधता का प्रतीक है और हर भारतीय का कर्तव्य है कि वो इस सम्मान को बनाए रखे। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे अपने घरों पर तिरंगा फहराकर इस अभियान का समर्थन करें और राष्ट्रभक्ति का परिचय दें। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने जोधपुर के उम्मेद अस्पताल का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को मरीजों से सहानुभूति रखते हुए सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही उन्होंने सफाई और सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के लिए भी निर्देशित किया, ताकि मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। श्री सिंह ने अस्पताल के वार्डों का निरीक्षण कर मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत कर राज्य सरकार द्वारा मिल रही निशुल्क दवा, निशुल्क जांच सहित अन्य सुविधाओं का फीडबैक भी लिया। उन्होंने अस्पताल में मरीजों को मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं और साफ सफाई पर संतुष्टि जाहिर की। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा जन्म भी इसी अस्पताल में हुआ है, इस कारण यहां से मेरा जन्म से ही एक विशेष लगाव है। संसदीय कार्य विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि प्रदेश सरकार आम जन की समस्याओं के निराकरण के साथ ही समग्र जन कल्याण और सामुदायिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही इन प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। श्री पटेल ने ये बात रविवार को जोधपुर सर्किट हाउस में जन सुनवाई के दौरान कही। श्री पटेल ने आम जन की समस्याओं को सुना और इनके बारे में संबंधित अधिकारियों से वस्तुस्थिति की जानकारी लेते हुए उनके संतोषपूर्ण और त्वरित समाधान के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारी संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ जनहित के कार्य करें, इनमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अब सुनिए मौसम से जुड़ी जानकारी। सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक जिलों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और बिजली गिरने के साथ मध्यम से तेज वर्षा और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की प्रबल संभावना है। वहीं जयपुर, अलवर, भरतपुर, सीकर, जोधपुर, करौली, दौसा, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में भी कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। वहीं बूंदी, नागौर, चूरू, झुंझुनू, बारा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मैं राजस्थान हूँ। अब यहाँ पेपर लीक नहीं, भविष्य का निर्माण होता है। युवाओं के सपने हकीकत में बदलते हैं। मैं सशक्त युवा की आवाज हूँ। मैं राजस्थान हूँ। जरूरतमंद महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर, सुरक्षा मिल रही और मिल रहा सम्मान। मैं सशक्त नारी शक्ति की मिसाल हूँ। मैं राजस्थान हूँ। तरक्की कर रहा है मेरा किसान, मिल रहा संबल और बढ़ रहा मान। मैं कृषि में बढ़ता विज्ञान हूं। मैं राजस्थान हूं। सामाजिक सुरक्षा से है मुझे सरोकार, 8 रुपए में मिल जाता है यहाँ पौष्टिक आहार। मैं गांव और शहरों में अन्नपूर्णा का भंडार हूं। मैं राजस्थान हूं। बढ़कर मिलती है यहाँ पेंशन, बड़े बुजुर्ग खुद ही करते हैं खर्चा वहन। मैं वृद्ध जनों का आत्म सम्मान हूँ। मैं राजस्थान हूँ।
तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। शेखर और अश्विनी को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।